हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी एल्कासोल सिरप की। आज के वीडियो में हम जानेंगे ये सिरप के बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स, इसको कब और कितनी मात्रा में यूज़ करना चाहिए, इसका क्या कंपोजिशन है, ये सब की जानकारी आज के वीडियो में होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपके पास पहुँच रहे। गाइस, एल्कासोल सिरप 100 ml, 200 ml, 450 ml तक आता है। 100 ml का प्राइस 115 rupees। इसको मैन्युफैक्चर करते हैं स्टेट मेट प्राइवेट लिमिटेड। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाता है। गाइस, ये सिरप के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें यूज किया गया है डिसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट। बात करें इसके बेनिफिट्स की तो इसका बेसिकली यूज गुर्दे की पथरी को निकालने के लिए किया जाता है। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो या फिर यूरिन इन्फेक्शन हो, पेशाब आने में दिक्कत आ रहा हो, पेशाब करते समय जलन हो या फिर पेशाब रुक रुक के आ रहा हो या फिर अनियमित रूप से आ रहा हो, बूंद बूंद आ रहा हो, तो उसके लिए ये सिरप पे बेस्ट है। एल्कासोल सिरप मूत्र के पीएच को बढ़ाता है और अम्लता को कम करता है, जिसके कारण यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में घटने लगती है। गाइस, ये सिरप को लेते समय आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना होता है, खासकर गर्मी के सीजन में यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम देखी जाती है, इसलिए पानी आपको भरपूर पीना है। बात करें इसकी डोजेज की तो एडल्ट को खाना खाने के बाद 5 से 10 ml करके आप दिन में दो से तीन बार दे सकते हो। एंड बच्चों को जो 12 साल से नीचे बच्चे हैं उसको आधा चम्मच या 1 चम्मच आपको देना है 2 से 3 बार खाना खाने के बाद, या फिर आपको अपने डॉक्टर से सुझाव अनुसार ये सिरप को डोज आपको लेना है। गाइस, बात करें ये सिरप के साइड इफेक्ट की तो ऐसे इसका ये सिरप का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन किसी को अगर सूट ना करे तो या फिर आप ओवरडोज ले लेते हो तो आपको पेट में दर्द महसूस हो सकता है, आपको मतली महसूस हो सकती है, एंजाइटी या घबराहट थकान महसूस हो सकती है, अत्यधिक बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब लग सकता है, तो इस टाइप के कुछ साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। एंड गाइस, कोई भी दवा ले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।